सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। कटनी बीना रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। दरअसल सलैया व बकलेहटा स्टेशन के बीच मंगलवार की शाम इलेक्ट्रिक इंजन को संचालित करने वाली ओएचई वायर अचानक से टूट गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सोमनाथ एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, तभी ड्राइवर ने ओएचई वायर सामने झूलता हुआ पाया। झूलता हुआ वायर देख सतर्कता बरतते हुए लोको पायलट ने गाड़ी रोक दी और रेल मंडल को फौरन ही इसकी सूचना दी। ट्रेन अचानक रुकने और ओएचई वायर टूटी देख ट्रेन में सवार यात्री घबरा कर तुरंत ट्रेन से नीचे उतर गए। रेल प्रशासन ने बचाव व राहत दल को फौरन ही मौके पर सुधार कार्य के लिए भेजा। सोमनाथ एक्सप्रेस को डीजल इंजन की सहायता से कटनी लाया गया और आगे के लिए इलेक्ट्रिक इंजन से रवाना किया गया। देखिए, बिना कटनी रेलखंड में रेलवे स्टेशन सलैया बकलेटा के बीच में किलोमीटर था 1193 के 18 से 20, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर झूल गया था और उसी दौरान वहाँ से गाड़ी पास हो रही थी हमारी 1465 सोमनाथ एक्सप्रेस के ड्राइवर एवं अप गाड़ी जो अप रोड से उस समय गुजर रही थी उसके ड्राइवर एवं लोको निरीक्षक ने देखा कि वायर झूल रहा है, तो उन्होंने अपनी सतर्कता बरतते हुए गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। गाड़ी रुकवाई गई जिससे कि मतलब वायर जो झूल रहा था कोई दुर्घटना ना हो, उसको उन्होंने पूरी तरीके से बचाया। जैसे ही मंडल कार्यालय को इसकी जानकारी मिली, तुरंत राहत एवं बचाव दल को सुधार कार्य हेतु भेजा गया। सोमनाथ स्पेशल को उस स्थल से डीजल लाइट इंजन लगाकर डीजल से कटनी मुड़वारा तक लाया गया था और पुनः डीजल इंजन मुड़वारा में डिटैच किया गया और अपने स्वयं का जो इंजन वर्किंग था उससे कार्य करवाया गया जबलपुर तक। वहीं सुधार कार्य के चलते वन वे लाइन चालू होने से करीब आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित रहीं। भोपाल बिलासपुर 36 का टाइम है और अभी 1 घंटा हो गया, आधा घंटा लेट लिखा था, 1 घंटा हो गया। और हम लोग अभी लेट पहुंचेंगे घर, क्या है, रोज़ अप डाउन करने वाले हैं। नहीं आई है। कटनी से अमर ताम्रकार, सागर टीवी न्यूज़। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603 7879281094।